अगले 5 साल में 10 गारंटी दी जा रही है। ये घोषणा पत्र नहीं है, ये मैनिफेस्टो नहीं है, मतलब ये पक्की पक्कम पक्की गारंटी है जो मैं दिल्ली की जनता को उनका मुख्यमंत्री होने के नाते दे रहा हूं। क्योंकि ये विपक्ष वाले कई जगह बोलते हैं ये 31 मार्च तक है, देख लेना केजरीवाल फिर बंद कर देगा। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, जब तक केजरीवाल है तब तक केजरीवाल की गारंटी है 200 यूनिट बिजली आपकी जारी रहेगी और शुद्ध साफ पानी मिलेगा, जिसे आप बिना आरओ के बिना फिल्टर के आप पानी सीधे टूटी से मुंह लगा के पी सकते हो। दिल्ली के हर बच्चे को, जो दिल्ली में बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे को अच्छी शिक्षा, ग्रेजुएशन तक अच्छी शिक्षा की गारंटी मेरी है और मुफ्त इलाज, जो जो मुफ्त चाहते हैं मुफ्त इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसकी गारंटी हमारी है। ये फ्री बस यात्रा अगले 5 साल जारी रहेगी, इसकी गारंटी मेरी है। स्टूडेंट्स को भी फ्री यात्रा दी जाएगी, 5 साल लगेंगे लेकिन 5 साल के अंदर आपको दिल्ली चमका के दिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਜ ਹਮ ਲੋਗ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਜਨਤਾ ਕੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੇ 10 ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैनिफेस्टो अभी आएगा, लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो 10 दिन बाद आएगा, हफ्ते 10 दिन बाद आएगा। ये गारंटी कार्ड है, ये मैनिफेस्टो से भी 2 कदम ऊपर है, मतलब ये पक्की पक्कम पक्की गारंटी है जो मैं दिल्ली की जनता को उनका मुख्यमंत्री होने के नाते दे रहा हूं। मैनिफेस्टो में ये 10 चीजें वो हैं जो दिल्ली की हर जनता इससे प्रभावित होती है, पानी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, दिल्ली की हर जनता उससे प्रभावित होती है। मैनिफेस्टो में बहुत सारी और भी चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टो
हम लागू नहीं करेंगे मैनिफेस्टो। पिछला मैनिफेस्टो भी हमने पूरा लागू किया था, अब भी जो घोषणा करेंगे उसको भी पूरी लागू करेंगे। लेकिन मैनिफेस्टो में डॉक्टर्स के लिए हो सकता है अलग से बातें हों, ठेके पे काम करने वाले मजदूरों के लिए अलग से बातें हों, शिक्षकों के लिए अलग से बातें हों, स्टूडेंट्स के लिए अलग से बातें होंगी, सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बातें होंगी। ये आज का गारंटी कार्ड वो है जो उन मुद्दों से डील करता है जो दिल्ली के सब लोगों को बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। इनमें कुछ बातें ऐसी हैं गारंटी कार्ड में जो हम कर चुके हैं और जो हम वादा कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आगे भी 5 साल जारी रहेंगी। क्योंकि ये विपक्ष वाले कई जगह बोलते हैं ये 31 मार्च तक है, देख लेना केजरीवाल फिर बंद कर देगा। तो ये आज इस गारंटी कार्ड के जरिए हम बता रहे हैं जनता को कि ये बातें अगले 5 साल भी लागू रहेंगी, गारंटी दे रहे हैं इस बात की। और कुछ बातें ऐसी हैं जिसको अब हम आने वाले 5 साल में लागू करेंगे और उसमें कोई 2 साल में लागू हो जाएंगी, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में। काफी बड़ी बड़ी गारंटी है, कोई हो सकता है 5 साल में आखिर तक जाते जाते लागू हो पाएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लागू चल रही हैं, जारी रहेंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आने वाले 5 साल के हम लागू करेंगे। तो सबसे पहले बिजली, हमारी जगमगाती दिल्ली। दिल्ली देश का अकेला शहर बना है जहां पे 24 घंटे बिजली है। तो आज मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे बिजली सबकी जारी रहेगी। दूसरा, 200 यूनिट बिजली में ही 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त दी जा रही है। ये विपक्ष वालों का कहना है कि केवल 31 मार्च तक है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं जब तक केजरीवाल है तब तक केजरीवाल की गारंटी है 200 यूनिट बिजली आपकी जारी रहेगी। तीसरा, पूरी दिल्ली के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहां तारों का जंजाल है, बिजली के तारों का जंजाल है। कई इलाके ऐसे हैं जहां हाई टेंशन वायर गुजर रहे हैं। इससे अब अगले 5 साल में लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, इन सारे तारों को अंडरग्राउंड करके लोगों को इससे मुक्ति दिलाएंगे। दूसरी बात, पानी में जितनी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन, जैसा मैं अक्सर बताता हूं 58% दिल्ली में पहले पानी की पाइपलाइन डली थी, हमने 93% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन डलवा दी, 7% दिल्ली बची है। अब अगले कुछ वर्षों में 100% दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी जाएगा। ये पहली चीज। आने वाले 5 सालों में हम प्रयास करेंगे और गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा, आपकी टूटी में मिलेगा 24 घंटे पानी मिलेगा और शुद्ध साफ पानी मिलेगा जिसे आप बिना आरओ के, बिना फिल्टर के आप पानी सीधे टूटी से मुंह लगा के पी सकते हो। और आपका जो 20,000 लीटर पानी मुफ्त है, ये मेरी गारंटी है कि ये जब तक हम हैं तब तक जारी रहेगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तीसरा शिक्षा। दिल्ली के हर बच्चे को, जो दिल्ली में बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे को अच्छी शिक्षा, ग्रेजुएशन तक अच्छी शिक्षा की गारंटी मेरी है। चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसके माँ बाप की मर्जी है। सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल की, हम लोगों ने शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा किया है, सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा किया है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, जो जो प्राइवेट स्कूल करते हैं मनमानी, उससे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ग्रेजुएशन तक की, बारहवीं के बाद, बारहवीं तक तो शिक्षा फ्री है, बारहवीं के बाद फिर जब वो बच्चा कॉलेज में जाता है उसको लोन दिलवाने की। तो एक तरह से ये शिक्षा के क्षेत्र में काफी सारी चीजें ऑलरेडी लागू हो चुकी हैं, लेकिन इसको और सुदृढ़ किया जाएगा, और नए नए स्कूल खोले जाएंगे, जिन इलाकों के अंदर स्कूलों की कमी है वहां और स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी, ग्रेजुएशन तक की, उसकी गारंटी हमारी है। चौथा, इलाज, स्वास्थ्य। दिल्ली के हर नागरिक को, दिल्ली के हर परिवार को अच्छी से अच्छा इलाज और मुफ्त इलाज, जो जो मुफ्त चाहते हैं मुफ्त इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसकी गारंटी हमारी है। इस दिशा में भी हम लोगों ने ऑलरेडी काफी कदम उठाए हैं, कई अस्पताल खुल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, अब मोहल्ला क्लिनिक और बनाए जाएंगे पूरी दिल्ली में, पॉली क्लिनिक्स और बनाए जाएंगे पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में नए नए अस्पताल, कई नए अस्पताल खुल रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के अंदर 10 से 15 हजार नए बेड ऐड किए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि अगर दिल्ली का कोई नागरिक बीमार होता है उसको बेस्ट से बेस्ट इलाज मिले, उसकी जिंदगी बचाने के लिए बेस्ट प्रयास किए जाएं, इसकी गारंटी मेरी है। इस दे नाल ही अरविंद केजरीवाल ने आए हुए लोगों नूं संबोधन करते हुए अपनी पार्टी दे पिछले काम भी गिनाए ते नाल ही सरकार दीआं खूबियां बारे जानकारी दित्ती। सबसे अच्छी अंतरराष्ट्रीय स्तर की यातायात सेवा, इसको लागू करने की दिल्ली में मेरी जिम्मेदारी है। लगभग 11,000 से अधिक बसें दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों पे होंगी। 500 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क बनाया जाएगा और इन सब को इंटीग्रेट करके लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जाएगी। यातायात सुरक्षित हो, महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, महिलाएं अपने घर से, कॉलेज से, स्कूल से घर सुरक्षित पहुंच सकें, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यातायात सेवा दिल्ली में लागू की जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। महिलाओं को जो फ्री बस यात्रा दी जा रही है, यह फ्री बस यात्रा अगले 5 साल जारी रहेगी, इसकी गारंटी मेरी है।
और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी फ्री यात्रा दी जाएगी। सरकार बनने के बाद सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को भी फ्री बस यात्रा दी जा सके। इसके बाद अपने को पोल्यूशन ठीक करना है। दिल्ली का पोल्यूशन बहुत हो गया, तो पोल्यूशन को कम करेंगे, काफी कम करेंगे। उसको कम करने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे दिल्ली के अंदर। और भी कई सारे, जैसे यातायात जब ठीक होगा तो प्रदूषण कम होगा। दिल्ली के अंदर जो धूल मिट्टी उड़ती है, वैक्यूम क्लीनिंग कराएंगे ताकि धूल मिट्टी ना उड़े, तो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे और उसी में यमुना को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं, इस बात की मेरी गारंटी है। और अपने को दिल्ली को साफ करना है। दिल्ली में जो कचरा है उसको साफ करना है। दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ है, मलबे, जगह जगह मलबा कूड़ा पड़ा है, इसको साफ करना है। दिल्ली की गलियों को साफ करना है, दिल्ली की सड़कों को साफ करना है, दिल्ली की नालियों को साफ करना है, दिल्ली के सीवर को साफ करना है, दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाना है। इसमें टाइम लगेगा, 5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंदर आपको दिल्ली चमका के दिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। महिलाओं के लिए दिल्ली को सुरक्षित करना अपना काम है। महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, 1.5 लाख लग गए, 1.5 लाख और लग रहे हैं, लेकिन ये 1.5 लाख की 3 लाख की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने कैमरे लगाने की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली के चप्पे चप्पे पे कैमरा लगेगा। पूरी दिल्ली में स्ट्रीट लाइट्स लगवा रहे हैं, जितनी स्ट्रीट लाइट्स लगाने की जरूरत, अभी 2,10,000 लग रही है, लेकिन उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी स्ट्रीट लाइट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी उतनी लगाएंगे, कमी नहीं होने देंगे। और जैसे बसों में मार्शल लगाए हैं, बस मार्शल, ऐसे ही मोहल्ला मार्शल लगाए जाएंगे। दिल्ली के हर मोहल्ले के अंदर मार्शल लगाए जाएंगे महिलाओं की और वहां पे लोगों की सुरक्षा के लिए। कच्ची कॉलोनी के लोगों को जब से सरकार बनी है खूब सुविधाएं मिल रही हैं। कई कच्ची कॉलोनियों में सुविधाएं लागू हो चुकी हैं, कुछ रह गई हैं, तो हर कच्ची कॉलोनी में सड़क, नाली, गली, पानी, सीवर, मोहल्ला क्लिनिक और सीसीटीवी कैमरे, ये 7 चीजों की गारंटी मेरी है हर कच्ची कॉलोनी में। और जो अपने भाई बहन गरीबी की वजह से झुग्गियों में रहते हैं, बहुत कठिन जिंदगी जीते हैं, उनको सम्मान की जिंदगी देंगे, उनके लिए मकान बनवाएंगे। मकान बनने चालू हो गए हैं कई जगह, जहां झुग्गी है वहीं आसपास हम मकान बना के देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये 10 गारंटी है, केजरीवाल की 10 गारंटी है दिल्ली के अपने
लोगों को, और जैसा मैंने कहा कि इनमें से कई सारी चीजें ऑलरेडी लागू हैं, लेकिन बाकी चीजें 5 साल के अंदर हम लागू करेंगे। डिटेल्ड मैनिफेस्टो जो है वो 10 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये मैं गारंटी कार्ड आपके सबके सामने साइन करके दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल वालों कीते जा रहे इस चोन प्रचार ने विरोधियों नू काफी ज्यादा तंग परेशान किया है, ते विरोधियों नू किसी भी तरह का मौका केजरीवाल दी पार्टी नहीं दे रही। खैर प्रचार तो वो भी कर रहे ने, ते वक-वक पार्टियां दे इना प्रचारां दा नतीजा की निकलदा है ये तो 8 फरवरी तो बाद 11 फरवरी नू रिजल्ट वाले दिन ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।